अधिकतर राज्यों की राय है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन उसी तरह जारी रहे। आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए कई राज्य ग्रीन जोन वाले इलाकों से प्रतिबंध हटा सकते हैं। नई दिल्ली, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ाया गया लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। कोविड 19 संक्रमण की रफ्तार अभी धीमी नहीं पड़ी है, ऐसे में कई राज्य 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रखना चाहते हैं। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने एक दिन पहले कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद शनिवार को 5 और राज्यों ने कहा कि वे अपने यहाँ हॉटस्पॉट में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन रखना चाहते हैं। पीएम से मीटिंग में निकलेगा रास्ता। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ने कहा है कि वे केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगे। हालांकि आसाम, केरल और बिहार इस बारे में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कोई फैसला लेना चाहता है। 15 दिन तक और बढ़ेगा लॉकडाउन। तेलंगाना ने पहले ही लॉकडाउन को आगे बढ़ा रखा है, वहाँ 7 मई तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि वह 2 दिन पहले यानी 5 मई को लॉकडाउन एक्सटेंशन पर फैसला लेगी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। राज्य के 92% कोरोना केसेस मुंबई और पुणे में है। वे चाहते हैं कि वहां के कंटेनमेंट जोन्स में 18 मई तक लॉकडाउन जारी रहे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पर पीएम के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। पूरी तरह लॉकडाउन हटाना नहीं चाहते राज्य। बंगाल, पंजाब और ओडिशा भी 3 मई के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार बंगाल सरकार कोलकाता, उत्तरी 24, नादिया के रेड जोन्स में प्रतिबंध जारी रख सकती है। हालांकि सरकार पूरे राज्य में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का मानना है कि कुछ समय के लिए लॉकडाउन को पूरी तरह हटाना संभव नहीं होगा, क्योंकि राज्य ने पिछले 40 दिन में कोविड 19 के कर्व में 3 बार उछाल देखा है। और राज्यों की क्या राय है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि इंदौर, भोपाल और खरगोन में 3 मई के बाद लॉकडाउन हटने की संभावना कम है। सरकार जबलपुर में भी लॉकडाउन बढ़ा सकती है, क्योंकि वहां पिछले 2-3 में मामले बढ़े हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन के आधार पर राज्यों को लॉकडाउन पर फैसला करने की छूट दी जाए। छत्तीसगढ़, जहां 5 पॉजिटिव केस है, की सरकार ने केंद्र से राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मांगी है। केंद्र के आदेश के बावजूद यहां नहीं खुलेगी दुकानें। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री के छोटी दुकानों खोलने का आदेश लागू नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दे रही। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यूपी के लिए कोरोना के मामलों को रोकना बहुत जरूरी है। सरकार ने जरूरी सामान की दुकानों को छूट दे रखी है। हम इस वक्त और दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।